दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ ये 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। ये काफी पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें मरम्मत का काम चल रहा था। इस हादसे में 7 मजदूर मलबे में दब गए हैं। हादसे की सूचना पाकर और NDRF ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। 2 मंजिला गिरी है, मेरे को सूचना आई तो मैं यहाँ अपना पुलिस यहाँ पर लगी हुई है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है, NDRF लगी हुई है, MCD के कर्मचारी लगे हुए हैं। कुछ शायद 3-4 लोग उसमें दबे हो सकते हैं, पर अभी उनकी आवाज भी आ रही है, अभी उनको बचाना ही यहाँ पर सब। नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था क्या? नया नहीं है, पुराना है सारा, रेनोवेशन कुछ अंदर हो रही थी, तो मजदूर है शायद जो काम कर रहे हैं। कितनी बजे की कॉल थी और आप कितने बजे? कॉल तो मुझे नहीं पता, पर मेरे को जैसे ही कॉल आई यहाँ से तो मैं जब ही आ गया 5 मिनट में। क्या कहेंगे तरीके से? अभी तो भगवान सबको सुरक्षित निकल जाए, यही उद्देश्य है। सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं और भगवान ने चाहा सब सुरक्षित निकल जाए। अचानक गिरी बिल्डिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पाकर दिल्ली फायर ब्रिगेड ने तत्काल 6 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेज दिया। मौके पर NDRF की टीम को भी भेजा गया। वहीं आनंद फानन में पुलिस के आला अधिकारी और पार्षद भी मौके पर पहुंचे। उधर यहां काम कर रहे मजदूरों के परिजन भी दौड़े चले आए। मौके पर पहुंची NDRF की टीम ने कटर्स और अन्य उपकरणों की सहायता से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है और 3 मजदूरों को मलबे से रेस्क्यू भी किया जा चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजाद है। आजाद, कितने लोग अंदर काम कर रहे थे? 7 लोग था। अच्छा, कौन कौन? नसीम, गुलफराज और असलम, बिलाल और अरमान और नाम ध्यान नहीं है नाम को। अच्छा, तो जो है आप ये बताइए, आप भी अंदर में काम कर रहे थे? नहीं, हम यहाँ नहीं थे, हम दूसरी जगह थे। हमारा अच्छा, भाई ने कॉल किया था। अच्छा, जो अंदर फंसा हुआ वो मुझने कॉल अच्छा, किया जो अंदर में दबाव हुआ था उसने आपको कॉल किया। अच्छा, अच्छा, ये बताइए अभी कौन कौन निकले हैं? अभी 3 निकला है, बिलाल अच्छा, निकला है, असलम निकला है और अनुमान निकला। अच्छा, अभी 4 और फंसा हुआ है। वहीं हादसे की जानकारी मिलने के बाद साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान भी घटना स्थल पहुंचे। उन्होंने इस दौरान साफ किया है कि इस बिल्डिंग की जर्जर हालत को देखते हुए पहले ही नोटिस दिया गया था। वहीं अब उन्होंने मामले की जांच और मकान मालिक पर कार्रवाई की बात भी कही है। ये बिल्डिंग ऑलरेडी डेंजर थी, इसके लिए निगम ने पहले 31 मार्च को ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी थी। उसके बाद हमने पुलिस को भी कंसर्न पुलिस को भी लिखा है, RKO को भी लिख के दिया है, उसके बाद SDM को भी लिखा गया, तहसीलदार को भी लिखा गया, रजिस्ट्रार को भी लिखा गया कि इस बिल्डिंग में किसी भी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी होनी नहीं होनी चाहिए। इसमें चोरी छुपे जिस तरह से काम चल रहा था उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई बनती है, चाहे मकान मालिक हो या अधिकारी की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक मुझे यहाँ नहीं रहते हैं तो उनको भी हर तरह से इस चीज़ को लेकर के इंटीमेट किया गया। फिलहाल मौके पर बुलडोजर के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है और मजदूरों को निकाला जा रहा है। हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। फिलहाल मकान मालिक से संपर्क करने की कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली से इशरार अहमद के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।